हरदोई में भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी की बैठक बैरीगंज स्थित किसान कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें समस्याओं को लेकर किसानों ने बीच चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर 12 बजे बैरीगंज स्थित किसान कार्यालय पर प्रदेश संगठन मंत्री श्रीकांत शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें हरदोई जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने किसानों की समस्या पर दुख जताया। इसमें हरदोई जिलाध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने किसानों की समस्याओं पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि आगामी 15 जनवरी को उलझा मार्ग स्थित पानी की टंकी पर कई किसान पदाधिकारी चढ़कर किसानों की समस्या का निस्तारण तक बैठेंगे। जनपद के संबंधित आला अफसरों को कई बार समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन जायज समस्याओं का अभी तक निराकरण नहीं हो सका है। बीते 6 जनवरी को उप जिलाधिकारी संडीला को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा जा चुका है, जिसमें ग्राम पंचायत बैरीगंज देहात के नया पूर्वा खेरवा मार्ग पर भीषण जल भराव की समस्या को देखते हुए नगर पंचायत के द्वारा अविलंब जल निकासी की व्यवस्था कार्रवाई जाए ऐसी मांग की गई थी। ग्राम झरुया के चक मार्ग पर दबंगों के द्वारा बनाई गई दीवार को गिराया जाए। ग्राम पंचायत पिपरी में कोटेदार के द्वारा घर तौली राशन कार्ड धारकों से अभद्रता किए जाने पर कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही विकास खंड कोथावा के ग्राम रामपुर के सीसी मार्ग पर जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जाए। इन समस्याओं को लेकर भाकीएमओ जिला अध्यक्ष श्री मिश्रा गंभीर दिखे। उन्होंने बैठक में उपस्थित संगठन के पदाधिकारी और काफी संख्या में किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि 15 जनवरी को धरना स्थल पर अधिक से अधिक लोग पहुंचे। और इस बैठक में रामचंद्र गौतम, शैलेश सिंह, श्रीकांत गौतम, सत्येंद्र सिंह, गौरव गुप्ता, पवन विश्वकर्मा, अर्पित गुप्ता, पीयूष तिवारी, पीर मोहम्मद, शोभित शुक्ला और साथ ही पीयूष तिवारी, पीर मोहम्मद आदि लोग उपस्थित थे। आज बैरीगंज किसान कार्यालय पर संगठन के पदाधिकारियों, किसान साथियों के साथ बैठक संपन्न हुई। यह बैठक आज सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में आगामी 15 जनवरी को बैरीगंज के पानी टंकी पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर की गई। सभी से वार्ताएं की गई कि किस तरह से कार्यक्रम को करना है। इसमें मुख्य मांगे कुछ कोटे हमारे क्षेत्र के हैं, राशन दुकानें जो अनलीगल तरह से संचालित हो रहे हैं, जिन पर अभी तक सप्लाई ऑफिसों द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ में रामपुर में जल भराव और झरुया गांव में दीवाल का मुद्दा, बैरीगंज के नयापुरवा में जल भराव की समस्या, इन सभी को लेकर आज बैठक संपन्न हुई है। और आने वाली 15 जनवरी को सभी किसान साथियों की उपस्थिति में संगठन के मुख्य पदाधिकारी पानी की टंकी पर बैठकर इंतजार करेंगे कि इन किसानों की समस्याओं को किस तरह से अधिकारी दूर करते हैं। इसके साथ साथ में परिसर में भी हजारों की संख्या में किसान साथी बैठेंगे और समस्या निस्तारण तक बैठे रहेंगे, क्योंकि 2 वर्षों से जनपद हरदोई का शासन प्रशासन केवल लालीपाप थमाता चला आ रहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर किसानों की कहीं पर कोई मदद नहीं की गई और न ही किसानों की समस्याओं को दूर किया गया है। अब 15 जनवरी को बैरीगंज की पानी टंकी पर इसका फैसला किया जाएगा। जय जवान, जय किसान।